जिनकी पहचान मंत्री के तौर पर कम, अपनी निजी शख्सियत के तौर पर ज्यादा है, जिन्होंने अपने जीवन में अपनी शर्तों पर फैसले लिए हैं, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहां मौजूद हैं एक बार जोरदार तालियों से राजवर्धन सिंह जी का स्वागत करें। राजवर्धन सिंह जी को ना तो हम लोग भाजपा नेता के तौर पर जानते हैं, ना कांग्रेस नेता के तौर पर जानते हैं। राजवर्धन सिंह जी को अगर जानते हैं तो जन नेता के तौर पर जानते हैं। राजवर्धन सिंह जी ने एक बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति में राजनीति में पदार्पण किया था, नहीं तो हो सकता था कि वो हमारे क्षेत्र में ही रहते। जो पत्रकारिता का सबसे बेहतर संस्थान है देश का, उसके वो छात्र रहे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो विश्व की सबसे अच्छी एयरलाइंस मानी जाती है लुफ्तांजा एयरलाइंस, उसके मार्केटिंग के हेड रहे हैं राजवर्धन सिंह जी। और जब वो राजनीति के क्षेत्र में आए तो राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने कृतित्व, अपने व्यक्तित्व से अलग पहचान बनाई है। पर आज राजवर्धन सिंह थोड़े अलग परिस्थितियों में हमारे बीच में, अलग परिस्थितियां इसलिए कि जिस पार्टी के खिलाफ लंबे समय तक लड़े, फिर उस पार्टी की ओर से भी लड़ लिए, अब एक बार फिर मैदान में जा रहे हैं। किसकी ओर से जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, ये सवाल है। 22 जुलाई 2020 वो तारीख थी जब राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पूर्व कांग्रेसी और नए भाजपाई बने। 3 साल का समय हो रहा है, तो पहला सवाल यही है राजवर्धन सिंह जी, कितना रास आ रहा है कांग्रेसी से भाजपाई हो जाना? देखिए, ये ग्राह्यता का प्रश्न है। ग्राह्यता मेरे द्वारा इस परिवार के परिवेश में, और ग्राह्यता परिवार द्वारा मेरे जैसे व्यक्ति की। मुझे मेरे ख्याल से इतनी कठिनाई इसलिए नहीं, हिमांशु जी, के मेरे पिताजी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनसंघ से हुई जी। प्रारंभिक दौर में बाल्यावस्था में ही जब मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ तो राजमाता साहब जी उनको साथ में ले गई थी, तो एक जीवन का प्रारंभिक जो काल था उन्होंने जनसंघ में व्यतीत किया। उसके बाद जब माधवराव जी लौट के बाहर से आए तो जैसी परिस्थितियां हुई वो उनके साथ हुए, और फिर आगे की पूरी कहानी काफी हद तक काफी लोगों को पता है जी। ये कम लोगों को पता है कि मेरे पिताजी मीसाबंदी भी थे जी, और एक लंबा दौर संघर्ष का रहा जीवन में तमाम परिस्थितियों, जो बचपन से मैं देखता आया। और उन्होंने हमेशा ये कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने परिवार की परिभाषा क्या मानते हैं। जब पहला चुनाव मेरा हुआ तब भी उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं किसी के माध्यम से मुझे कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं वो चुनाव लड़ूं जी। तो उन्होंने कहा कि अब आज से अगर आप सार्वजनिक जीवन में आ गए तो ये 4-5 लोगों का आपका परिवार नहीं है, जो वो पूरा समूह जिसमें आप मतार्जन हेतु आकांक्षाएं लेके और जा रहे हैं याचक बन के जी, वो फिर पूरा आपका परिवार है। तो उन्होंने कहना वो चाह रहे थे कि मन कर्म वचन से आप एक हो जाएं। और इसलिए जब मैं कांग्रेस से भाजपा में आया तो हमारे लक्ष्य बहुत स्पष्ट थे, हमारे विषय बड़े स्पष्ट थे, कुछ क्षेत्र की बातें कुछ अन्य बातें। और जैसे जैसे मैंने और गहराई से कार्यप्रणाली को समझा, रीति नीति को समझा, उसमें रचा बसा, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जड़ से सींचा जाता है इस दल को और पूरा प्रयत्न प्रयास किया जाता है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये हुआ है कि समय के साथ साथ वो अपनी धरा से दूर हो गए, जड़ों से दूर हो गए, विचारों से भी दूर हो गए, और इसलिए आज ये परिस्थितियां बनी। मेरी विधानसभा में एक सक्तली ग्राम पंचायत में भी चुनाव हुआ जी, तो दोनों व्यक्ति जो चुनाव लड़े वो दोनों भाजपा के ही थे जी। तो कहना मैं आपसे चाह रहा हूं कि ये अवस्था में वो पार्टी आ गई तो मुझे व्यक्तिगत कोई परेशानी नहीं आई। और मैं समझता हूं कि आज जब मैं भाजपा में कार्य कर रहा हूं तो एक सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक निर्णय है, सामूहिक प्रयास है जो कांग्रेस में नहीं था। सामूहिक नेतृत्व दिख रहा है, सामूहिक प्रयास दिख रहा है, पर जानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आके आपके पास में पद तो आ गया, पर क्या वैसी प्रतिष्ठा, क्या वैसा प्रभाव, क्या वो सम्मान आपको महसूस हो रहा है जो कांग्रेस में दिखता था?
देखिए जैसे आपने कहा वो जन से आता है जी, स्वभाव और व्यवहार से आता है और कार्य से आता है जी। तो मैं अच्छा कार्य करूंगा तो मुझे मिलेगा, और मैं नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा। पार्टी के लोगों ने, वरिष्ठ जनों ने मुझे बहुत आदर दिया, बहुत प्रेम दिया और बहुत सहजता से मुझसे मिलते हैं। मुझे ऐसा किसी भी भाजपा के श्रेष्ठ नेता से ऐसा महसूस नहीं हुआ, चाहे बीडी शर्मा जी हों, चाहे शिवराज सिंह जी हों, नरेंद्र सिंह जी हों, नरोत्तम जी हों, प्रहलाद पटेल जी हों, प्रभात झा जी हों, या और भी कम जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, मुझे कभी किसी से, जब जब मैंने जिस जिस से जो जो निवेदन किया, या अन्य भी नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में जैसे गडकरी जी हो गए, जब मैंने उनसे जिस बात के लिए निवेदन किया, राजनाथ सिंह जी हो गए सामान्य तौर पर, तो मुझे पूरा पूरा रिस्पॉन्स भी मिला, क्षेत्र की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करी गई। और कांग्रेस में तो कई बार ऐसा होता था, एक बार एक केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ पे आए, हेलीकॉप्टर से लैंड हुए बोर्दापाल में जी, और कह गए कि ये वो सब तमाम बातें, और जब सांसद भी मेरे साथ थे, तत्कालीन कांग्रेस के सांसद, और जब दिल्ली हम वापस गए, उनके पास एक स्पेशल पैकेज रोड के लिए जो तीन जिलों को जोड़ता था, रतलाम, झाबुआ और धार को, तो हमसे मिले तक नहीं। मैं आपको ये वास्तविक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वहां तो हमें माध्यम ढूंढना पड़ता था कि साहब चलिए किसी न किसी को, पचौरी जी के बिना या कमलनाथ जी के बिना, दिग्विजय सिंह या सिंधिया जी के बिना आप ऊपर कहीं जा नहीं पाते थे जी, बड़ा मुश्किल होता था। और टिकट और सिस्टम भी कोटे था, जैसे आप जानते हैं अधिकांश कि इसके कोटे का ये टिकट, इसके कोटे का ये टिकट, धार जिले में तो सामान्य टिकट है तो एक एक नेता का है, दूसरा दूसरे नेता का है, ऐसा सिस्टम था, और आज भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भाजपा में नहीं है। तो भाजपा में किसके कोटे से टिकट रहती है धार में? भाजपा में पार्टी है, और पार्टी को जो सर्वे में सर्वश्रेष्ठ लगती है उसको टिकट मिलेगी। अगर उनको लगता है कि बदनावर में मुझसे कोई बेहतर है तो उसको टिकट मिल जाएगी, मैं उसका काम करूंगा। धार में लगता है कि वर्मा जी से कोई बेहतर है तो उसको टिकट मिल जाएगी, हम उसका काम करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी लड़ेगा। ये आपका आत्मविश्वास इतना हिल कैसे गया? आप अपनी टिकट को लेकर भी सशंकित हो गए, लोग तो आपसे उम्मीद करते थे कि आप दूसरों को दिलाएंगे, यहाँ पर आप सार्वजनिक रूप से अपने टिकट को लेकर भी डरे हुए से लग रहे हैं। मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं अनुशासित हूँ जी। मैं संदेश इस मन से दे रहा हूँ कि बड़ा से बड़ा नेता पहले कार्य करता है, बाद में नेता है, पहले अनुशासित है, बाद में महत्वाकांक्षी जी। तो ये जो अनुशासन है, ये अनुशासन आपकी पार्टी में बिखराव क्यों दिखा रहा है? नए लोग तो पार्टी में आ रहे हैं, पर जो पार्टी के तपे हुए नेता बताए जाते हैं, तपे हुए कार्यकर्ता बताए जाते हैं, आजकल हर हफ्ते कोई बड़ा तपा हुआ नेता, तपा हुआ कार्यकर्ता कांग्रेस की सत्ता लेने के लिए कमलनाथ के दरवाजे पे दिखाई देता है, ये कैसे हो रहा है? मुझे नहीं पता आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम कोई बीमार होते हैं और कहीं डॉक्टर और मेडिकल स्टोर पर भी जाते हैं, तो जो संजीवनी कही जाती है दवाई, उस पर भी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है जी। तो एक्सपायरी डेट सबकी होती है जी, उपयोगिता भी सबकी होती है, और समय भी सबका होता है, अवसर भी सबको मिलता है। तो ये दीपक जोशी को आप क्या एक्सपायरी डेट पे मानते हैं? नहीं, मैंने नाम नहीं लिया मैंने किसी का नाम नहीं लिया। देख, दीपक जोशी जी से मेरे भी अच्छे संबंध है और अच्छे व्यक्ति हैं। उनके पिताजी ने बहुत काम किया भाजपा के लिए, सब जानते हैं जोशी जी को, कौन नहीं जानता, और उनको मिला भी बहुत। और दीपक जी को भी उनके पिताजी की वजह से, उनके खुद के वजह से भी बहुत मिला, विधायक रहे, पार्टी के मंत्री रहे भाजपा से, तो ऐसा नहीं नहीं मिला। अब जो उनके क्या परिस्थितियां हुई क्या नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अरे, लेकिन आपसे समझना तो हमें थोड़ा दूसरी चीजों को है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये शिवराज सिंह चौहान, ये नरेंद्र सिंह तोमर, ये कैलाश विजयवर्गीय, सब बताते थे कि भाई मध्य प्रदेश में अगर काम किया है तो हम ही लोगों ने किया है, कमाल किया है तो हम ही लोगों ने किया है। पर 2018 में आप लोगों ने कमाल कर दिया, ये कमाल करते ही रह गए, फिर भी आप कमाल कर गए और इनको सत्ता से बेदखल कर दिए। ये कमाल कैसे हुआ था 2018 में, और 2023 में ये दोबारा कमाल नहीं कर देंगे, इसके लिए क्या आप इनको सिखा पढ़ा रहे हैं? नहीं, आप मतलब मुझे भूत में प्रश्न कर रहे हैं तत्कालीन पार्टी के विषय में या क्या? 2018 में जब आप कांग्रेस ही हुआ करते थे जी, तो इन भाजपाइयों के संदर्भ में बताते थे कि इन्होंने बहुत ठगा, और ऐसा आप समझाने में कामयाब रहे, और देखा कि आपकी सीटें भी ज्यादा हो गई। 2018 में जो परिस्थितियां निर्मित थी जी, अगर शुद्धतः राजनीतिक वोट परसेंटेज की बात करें तो तब भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला था जी। मुझे जो लगता है, क्योंकि चुनाव अभियान समिति का सदस्य भी था उस वक्त,
का प्रभारी भी था, तो उस एरिया में मैं काफी गया भी। उस दौर में किसानों का कुछ एक बात उठी, एक आंदोलन उभर के आ रहा था और उससे एक परिस्थितियां बनी, और उसके साथ ही साथ फिर कमलनाथ जी ने और उस वक्त के कांग्रेस के नेतृत्व ने कुछ बातों को लेकर वचन पत्र बनाया। अब वो लोगों की अपेक्षाएं थी, उन्होंने कहा ये आकांक्षाएं हैं जिसको कहते हैं एस्पिरेशनल जी। तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक पूरी परिस्थिति का आकलन करके उन्होंने वो बातें डाल दी वचन पत्र में, और किसान या वोटर या जो भी वक्त जो भी तबका जिस भी परिस्थिति में सोच रहा था, जैसे हमारी परियोजना की बहनें, उनको कह दिया कि तुम्हारा परियोजना का लोन माफ, हमारे किसान तो उनको कह दिया आपका कर्जा माफ, हमारे युवा तो युवा कह दिया बेरोजगार भत्ता, हमारे दुग्ध उत्पादक तो उन्होंने कह दिया 5 रुपए बोनस, हमारे जो लोग जिनको आवास नहीं मिल रहा था आवास चाहते थे उनको कह दिया आवास का अधिकार। इस प्रकार से के लिए कुछ न कुछ उन्होंने सामने रख दिया और उससे वो वातावरण बनाने में सफल हुए जी, जिसका परिणाम हुआ कि कुछ एक सीटों के अंतर से कांग्रेस की सरकार समाजवादी और भाजपा के समर्थन से बनी थी जी। तो ये कोशिश तो इस बार भी हो रही है, कमलनाथ जी बता रहे हैं 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, ये लाडली बहना को 1000 रुपए दे रहे हैं, मैं आऊंगा 1500 रुपए महीना दूंगा, बिजली 100 यूनिट फ्री दूंगा, 200 यूनिट तक हाफ दूंगा। तो ये उम्मीदें तो फिर से जा गई है, जो कर्ज माफी अधूरी रह गई उसे भी पूरा कर दूंगा, इतने सारे वायदों के बीच में कहां टिकेंगे आप? काट की हांडी नहीं छड़ती है, कहावत है। और दूसरा ये भी है कि वो देंगे, हम दे रहे हैं जी। उन्होंने कहा 1500 और कब कहा? जब हमने कहा 1000। अब शिवराज सिंह जी ने कह दिया जैसे जैसे पैसा आएगा हम उसको 3000 तक रह जाएंगे, उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं। गैस की टंकी देंगे, उज्ज्वला क्यों नहीं दी इतने साल? पहली बार हमारी सरकार ने केंद्र में तय करा, नरेंद्र मोदी ने तय करा कि जो जीवन भर हमारी गृहिणी माता बहन उस चूल्हे के धुएं के दम से घुटके टीबी की पेशेंट हो जाती है, बीमार पड़ जाती है, वो कंडों से, वो लकड़ी से, वो तमाम जिस चीज से प्रदूषण घर में चूल्हे पे होता है, पहली बार गैस की टंकियां उस लेवल पे जाके योजना के तहत हमारी सरकार ने दी। सब्सिडी में जो बहुत बड़ा गड़बड़ होता था, जो फेक अकाउंट्स होते थे जो गैस की सब्सिडी, उसको हमने ठीक किया, डायरेक्टली पैसा जाने लगा। तो ये जो मूलभूत करेक्शन था सब्सिडीज की, जो स्कीम्स था वो करेक्शन किया, और उस पूरे दौर में जब पैसे वाले लोग उस सब्सिडी का लाभ ले रहे थे, तब कभी हमारे कांग्रेस के मित्रों ने इस बात को नहीं सोचा कि हम ये क्यों नहीं कर सकते। अब जब चुनाव आ रहा है, चुनाव के कुछ महीने पहले आप कह रहे हो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो तमाम साल तमाम सरकारों में वो रहे, उस वक्त उन्होंने नहीं दिया। तो अब जब लाडली बहना के माध्यम से हर महीने 1000 रुपए डलना चालू हो गया और आगे वो बढ़ता रहेगा, और एक एक परिवार में 3-3, 4-4 महिलाओं को लाभ मिल रहा है, तो वो एक गैस के 500 रुपए देने न देने की बात पे भविष्य की एक 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 स्वप्न रचित वादे में जनता आ जाएगी, मैं ऐसा नहीं समझता। अभी वर्तमान में जो मिल रहा है और जो पहले मिला है उस पे विश्वास रख के जनता आगे। आपका किस पे विश्वास है? 3 साल में जो शिवराज सिंह सरकार ने काम किया उस पे भरोसा है, या लाडली बहना के तहत 11 जून से 1000 रुपए महीना दे रहे हैं उस पे भरोसा है? मुझे आपको एक बात बताते हुए गर्व महसूस होता है कि जब पहले जहां पे नकारात्मक इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, आज 24% इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जहां पे हमारी विकास दर शिथिल सी पड़ी थी, आज 19.76 पे प्रचलित दरों पे मध्य प्रदेश की विकास दर है, हमारे पास सड़कों के ठिकाने न हुआ करते थे, मध्य प्रदेश में आते ही गाड़ी का स्वभाव आल चाल ढाल सब बदल जाती थी, आज हमारे पास 3 लाख किलोमीटर से ऊपर सड़कें हैं, कब जाए पता नहीं चलता था, आज हमारे पास करीब करीब 27,000 मेगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता है, उसमें 20% रिन्यूएबल एनर्जी है। ये सब चीजें ओवर टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम सक्सेसफुल हुए हैं, और हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं घटा, कोरोना काल में भी नहीं घटा, ये तमाम निरंतर हमने कंट्रीब्यूशन करा है
इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और बाकी सभी चीजों में इसका आपको असर आसपास दिखता है, जीएस में भी दिखा। और ये जो हितग्राही मूलक योजना आपने लाडली बहना का कहा, तो सोशल सिक्योरिटी भी हमारा कमिटमेंट है, वो भी हमको करना है। तो दोनों भौतिक व्यक्तिगत बौद्धिक हर तरीके से विकास का प्रयत्न है। ये जो सड़कों को लेकर आप अपनी इतनी बड़ाई करते हो, ये इंदौर से धार आने में जब टोल पे जो है 200 रुपए का टैक्स लग जाता है, तो समय पर समझ में नहीं आता कि सड़क हमने बनाई या आपने बनाई, इसके विषय में क्या कहेंगे? ये सड़क इतनी महंगी पड़ रही है जनता को, इसके विषय में भी तो कुछ बताइए। देखिए, कभी कभी समय से बहुमूल्य और कुछ नहीं होता। मैं आपको उदाहरण दूं, मैं भैंसोला गांव का मतदाता हूं। मैं उस दौर में जब वहां से बदनावर जाता था मुझे घंटों लगते थे, वहां से बड़नगर जाता था घंटों लग, मैं वहां से रतलाम जाता था घंटों लगते थे। और एक बस हमारे यादव साहब, अभी शेखर यादव उनकी पत्नी हमारी अध्यक्ष है, उनकी बस चलती थी। तो अभी मुझे कुछ दिनों पहले बोल रहे थे कि साहब वो मेरी गाड़ी का नाम लोगों ने डिलीवरी बस रख दिया था। जी, कई हमारी माता बहनों की डिलीवरी, क्योंकि इतनी खराब सड़कें होती थी। तो वो समय और जो गाड़ी की टूट फूट और जान जनहानि होने की संभावनाएं, जीवन और मौत के बीच का फासला क्षण होते हैं, और वो सब आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये 150 रुपए का टोल टैक्स आपको कुछ भी नहीं प्रतीत होगा। तो वो टोल टैक्स कुछ भी प्रतीत नहीं होगा, ये दत्तीगांव जी का कहना है। पर मैं अब थोड़ा धार के लिए आना चाहता हूं। ये जिस धार जिले में हम बैठे हैं, इसका भाजपा पे भरोसा नहीं बनता भाई, इसके विषय में क्या कहेंगे? अब आने के बाद, आपके आने के बाद कुछ बनेगा क्या? देखिए, आप छतर सिंह जी दरबार आज हमारे सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद हैं। साउती ठाकुर बीच में रही, उससे पहले भारत सिंह जी हमारे सांसद रहे। तो ऐसा नहीं है कि धार जिले का भरोसा भाजपा के प्रति नहीं बना। जनसंघ हम 2023 को लेकर बात कर रहे हैं, आप पूरी भाजपा की तरीके से बात कर रहे हैं। आजकल भाजपा जो है 2024 की बात करती है, भूल ही गई है कि 2023 भी बीच में है। मुझे पता है मानसी जी, मैं आपके प्रश्न का पूरा जवाब दे रहा था। आपने कहा कि धार जिले का भरोसा भाजपा पे नहीं बनता, इसलिए मैंने कहा। आपने भूत वर्तमान या भविष्य का नहीं कहा था, आपने कहा धार जिले का भरोसा भाजपा पे नहीं बनता। तो ऐसा नहीं हुआ है, और ऐसा समय रहा है जब 5-5 विधायक यहाँ से जिले से भाजपा के रहे हैं, ऐसा भी रहा है। और वो काल कौन भूल सकता है जब जमुना देवी जैसे बड़ी नेता भी हार गई थी, शुभानु सिंह सोलंकी जैसे बड़े नेता भी इसी जिले में हारे हैं, और रंजना बघेल जैसी नई एकदम, जिसको कोई नौसिखिया कहता था, उन्होंने भुआ जी को हराया। तो जनता है ये, आप इसको कुछ नहीं कह सकते। और मुझे विश्वास है कि जो काम हुआ है और जो काम हो रहा है, आकलन प्रत्येक विधायक जब पुनः चुनाव में जाएगा, चाहे मैं हूं चाहे हमारे दूसरे कांग्रेस के साथी विधायक हो, सबका आकलन जनता करेगी, और काम के आधार पर करेगी, और पार्टी के रीति नीति के आधार पर भी करेगी। तो मुझे लगता है कि इस बार निश्चित तौर पर हमें बेहतर सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारे जो निकाय चुनाव हुए उसमें अधिकांश हमें सफलता मिली, जिला पंचायत में हमें सफलता मिली। तो ये इस बात का संकेत देता है। 2018 में जनता ने बड़ी शिद्दत से धार में भाजपा को नकारा, तो 2018 से 2023 तक के दौरान ऐसा क्या भाजपा ने कर दिया, ऐसा क्या आपने कर दिया जिसके चलते उम्मीद करें कि नहीं इस बार धार में बात बनेगी? देखिए, बहुत कुछ हुआ है। एक तो मैं स्वास्थ्य की बात करूं, शुरुआत दौर पे कोरोना काल जब आया तो ये हालत थी कि पूरा अस्त व्यस्त, कहीं किसी को समझ नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो विपदा थी, और अगर जन भागीदारी ना होती तो सरकार भी शायद कुछ न कर पाती। सभी का मैं आभारी हूं, उद्योगपतियों का, दानदाताओं का, समाज सेवियों का। लेकिन निरंतर तब से लगातार अब तक हमारा संगठन सेवा ही संगठन के भाव से कार्यरत रहा। जहां एम्बुलेंसेस चाहिए थी हमने एम्बुलेंसेस उपलब्ध कराई, जहां हम जैसी सेवा कर सकते थे आईसीयू के विषय में, बिस्तरों के विषय में, रेमडेसिविर के विषय में, टोसी के विषय में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के विषय में, तत्पश्चात ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के विषय में, स्वास्थ्य के जो उपस्वास्थ्य केंद्र थे उनको फर्दर अपग्रेड करने के विषय में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनाने के विषय में, सिविल हॉस्पिटल्स बनाने के विषय में, सब जगह जहां जो हम कर सकते थे हमने किया। बदनावर में तो हमने सिटी स्कैन मशीन भी लगाई है, हमने वहां पे डायलिसिस भी लगाया, हमने सोनोग्राफी भी लगाई है, डेंटल चेयर। तो जहां, तो एक तो स्वास्थ्य का विषय, दूसरा शिक्षा के विषय में हमने आगे होकर प्रयास किया कि पब्लिक सेक्टर एजुकेशन जो हमारी पब्लिक स्कूल्स है उसके समकक्ष हम बच्चों को शिक्षा का प्रयास करें, सीएम राय स्कूल की अवधारणा करके वो कार्य तेजी से प्रगतिरत है। धार की बात करें, मेडिकल कॉलेज बनने की ओर हम अग्रसर हैं, लॉ कॉलेज हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स जहां जहां थे उसकी पूर्ति का हमने प्रयास किया है। सरफेस वाटर पहुंचाने की दिशा में तकरीबन 75% धार जिले का
एरिया अब उससे कवर हो जाएगा, सारी स्कीम हमने सैंक्शन करके प्रोसेस में ला दी है। इसी प्रकार से जहां जहां हमको जो जो गैप्स लगे हमने वो भरने की कोशिश करी है ताकि अधिक से अधिक लाभ हम जनता को आगे भेज सकें। राजवर्धन सिंह जी, क्या आप नहीं मानते हैं कि जो धार एक समय मालवा की राजधानी हुआ करता था, एक धार जो देश में अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए ख्यात हुआ करता था, वो धार इंदौर के चमक के आगे कहीं छुप सा गया है? क्या इस बात की कोई पीड़ा आपके अंदर नहीं? आप संतुष्ट है कि धार को जो होना चाहिए था वो हो गया है? हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर की चमक धार से है ना, पीथमपुर होता ना इंदौर की चमक होती, पीथमपुर धार जिले में आता है और धार जिले लेकिन आप मानते हैं कि पीथमपुर, लेकिन आप मानते हैं कि पीथमपुर है धार में पर वह नमक का कर्ज मानो इंदौर का चुकाता है? नहीं, ऐसा नहीं। हम निवेशकों को दुनिया भर से आकर्षित कर रहे हैं, तमाम बहुत सारा रोजगार वहां दिया जा रहा है और हमने न सिर्फ ऑटो ट्रैक बनाया, एसईजेड बन रही, लेकिन धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हम इस तरफ भी कर रहे हैं। हमने हाथोद में भी पेपर प्लांट चल रहा है, दूसरा एक गारमेंट टेक्सटाइल का करीब करीब पूरे पार्क में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मेगा टेक्सटाइल मित्रा पार्क आया है उस पर कार्य 1600 एकड़ में चलने वाला है, और रजील फैशन गारमेंट्स हो, सोया का सबसे बड़ा प्लांट देश में संभवतः एशिया में हमारे जिले में बन रहा है। तो ये हर तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हो, और साथ साथ कौशल विकास के लिए भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे आईटीआईज हैं जो बनने वाले हैं वहां भी हम लोगों ने इंडस्ट्री के अलावा वालों से रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट किया है कि उसमें भी हम अधिक से अधिक हमारे बच्चों को ट्रेन करें। मैं फिर रोकता हूं, सीखो कमाओ में भी हम काम कर रहे हैं। पीथमपुर में ये सब कुछ हो रहा है, जनता मेरे साथ बैठी है, क्या पीथमपुर के लोग, पीथमपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट धार को अपना जिला मानते हैं या इंदौर को अपना जिला मान के व्यवहार करते हैं? क्या कहती है जनता, एक बार दिनेश जी लोगों से पूछिए ना। सर, क्या क्या सोचते हैं आप, जो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने सवाल किया पीथमपुर के बारे में? पीथमपुर तो इंदौर को ही अपना जिला मानता है। जी, क्या होना चाहिए धार में, इसके संदर्भ में आपकी तरफ से कोई बात? धार में वैसे तो बहुत अच्छा विकास हुआ है, मंत्री जी ने बिल्कुल बराबर बताया है, और आगे भी संभावनाएं बहुत है, और अभी आगे आने वाले प्रश्नों में बताएंगे आपको। क्या बात है, राजवर्धन सिंह जी से कुछ ज्यादा प्रभावित लगते हैं आप, धार के लिए तो चाहते हैं पर राजवर्धन सिंह जी के संदर्भ में नहीं बोलना चाहते। जो पीथमपुर की इंडस्ट्रीज हैं उनके शोरूम धार में खोलने के लिए बाध्य करना चाहिए था उन्हें, जो राजनेताओं ने नहीं किया है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, इसके संदर्भ में राजवर्धन सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे कि पीथमपुर में जो लोग कमा रहे हैं, पीथमपुर से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, वो उसका कुछ हिस्सा धार के विकास में लगाएं, इसके संदर्भ में सरकार कुछ कर रही है? देखिए, जो CSR जो मैंने आप लोगों को बात बताई कि एम्बुलेंसेज आई, वो एम्बुलेंस सब पीथमपुर के उद्योग से ही हमने ली, सब CSR में आई, चाहे फोर्स मोटर से ली, चाहे आयशर मोटर से ली, चाहे माइलॉन से ली, उन सभी इंडस्ट्री ने दिल खोल के, जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए, जो आपके रेमडेसिविर आए, जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमने हॉस्पिटल्स में लगाए, क्योंकि मैंने खुद ने लगवाए, मुझे पता है करीब करीब प्रत्येक उपस्वास्थ्य केंद्र पे हमने एम्बुलेंसेस दिलाई, और उस वक्त उन्होंने किसी ने भी मना नहीं किया। अब इशू इन्वेस्टमेंट में विश्वव्यापी ये होता है कि वो जमाना गया जब उद्योगपति या निवेशक सरकारों के पीछे भागा करता था, आज हर सरकार को देश विदेश में जरूरत है निवेशक आके उनके राज्य में आके निवेश करें, उनके पास विकल्प खुले हैं, आवश्यक नहीं है कोई निवेशक आके धार में या इंदौर संभाग में या मध्य प्रदेश में निवेश करे, उसको बेहतर कहीं मिलेगा तो दूसरे प्रदेश में चले। तो आज ये कंपटीशन के युग में दोनों तरफ कंपटीशन है, हमें उनको बेहतर फैसिलिटीज देनी पड़ती है। पीथमपुर में कई सेक्टर की इंडस्ट्रीज है, वहां फार्मास्यूटिकल्स है, मध्य प्रदेश जो एक्सपोर्ट हो रहा है विदेशों में उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आज हमारी फार्मा इंडस्ट्री का है जो पीथमपुर में बेस्ड है। हाँ, उनके निवेशक पीरामल बॉम्बे में रहते हैं, हमारा फोर्स मोटर्स है फिरोदिया पूना में रहते हैं, हमारा महिंद्रा है महिंद्रा बॉम्बे या पूना में रहते हैं, हमारे पास में हेटर्स है, हेटर्स के मालिक जर्मनी में रहते हैं। तो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है, वो मालिक हो सकता है इंदौर में रहता हो, लेकिन पॉइंट यह है कि अंततः हमारे राज्य को टैक्सेशन वहां से मिलता है, किसी न किसी प्रतिशत में हमारे यहाँ लोगों को रोजगार भी वहां से मिलेगा। जहां तक आप कह रहे शोरूम का विषय है, तो मान लीजिए महिंद्रा है तो महिंद्रा का शोरूम पूरे देश में यहां भी है, या कोई दूसरी कंपनी है आयशर है, आयशर का उत्पाद यहां भी होता है,
तो जो आपका मूलतः प्रश्न मेरे ख्याल से ये है और लोगों की इच्छा ये है कि हमारे जिले में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो हमारे जिले को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, हमारे यहाँ लोगों को व्यवसाय में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक पॉइंट मोयरा सरिया है, मोयरा सरिया बनाता है सरिया, तो उसके होलसेलर्स रिटेलर्स पूरे न सिर्फ देश में है, हमारे जिले में भी, प्रदेश में भी है। अब ऐसा कोई लेजिस्लेशन अगर हम कर दें या बना दें इस राज्य में कि भाई जहां जो इंडस्ट्री लगाएगा उसको उसी जिले में ये करना पड़ेगा, तो उसको हम बांध देंगे जी, तो उस बंधन में फिर हो सकता है वो आगे यहां निवेश करने आए या ना आए। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि एक वन स्टॉप विंडो फैसिलिटेशन के लिए एमएसएमई की, एक जिला एक उत्पाद की और हैवी इंडस्ट्रीज की धार जिले के मुख्यालय पे खोल सकते हैं ताकि आपको सब सुविधाएं मिल जाए, सब जानकारी मिल जाए, तो एक ही जगह जाके आपकी सारी जिज्ञासा की पूर्ति वहां हो सके। ये आपका अच्छा सुझाव है, उसके लिए हम जिलाधीश से बात करके, वो पहले भी एक प्रोग्राम में ऐसा सुझाव आया है हिमांशु जी, वो बिल्कुल पॉइंटेड है और व्यवहारिक है, उसमें हम निश्चित तौर पर राजवर्धन सिंह जी एश्योर कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ धार जिला प्राथमिकता में आए इसकी दृष्टि से वो काम करेंगे। अब थोड़ी सी बात मैं बदनावर की करना चाहूंगा, फिर जनता के बीच जाना चाहेंगे हम। बदनावर के विधायक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव मंत्री हो गए, तो राजवर्धन सिंह जी को तो सम्मान मिल गया, बदनावर को क्या क्या मिला, थोड़ा इसके विषय में भी आप बता दें तो जनता लाभान्वित हो जाएगी। धार जिले वालों को पूछो तो कहेंगे सब कुछ बदनावर को ही मिल गया, वो कहते हैं तो राज्य मंत्री जिला अध्यक्ष ये वो। अभी जब इंडस्ट्रियल मित्रा पार्क का अनाउंसमेंट हुआ जी, तो हमारे तमाम मित्रों ने प्रश्न पूछा कि हमारे यहाँ क्यों नहीं, हिम्मत कोठारी जी बोले हमारे यहाँ क्यों नहीं, सांसद जी बोले हमारे यहाँ क्यों नहीं, उज्जैन वाले बोले हमारे यहाँ क्यों नहीं। अब उस पार्क से लगभग 1.5 से 2 लाख रोजगार उत्पन्न होगा, कॉटन गार्मेंट्स टेक्सटाइल सबका सबमर्जेंस होगा। वैसे अभी बदनावर में प्रोक्योरमेंट डीसीएच कॉटन का मैक्सिमम होता है अभी भी, तो एक तो वो बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने चयन किया हमारे जिले का किया और क्षेत्र का किया। तो वो जो एरिया है वो 3 जिलों का बॉर्डर है, इधर रतलाम है, इधर झाबुआ है और धार। एक तो मेरे ख्याल से वो पूरी तस्वीर बदल देगा आने वाले समय में, क्योंकि उससे हर रोजगार धंधा सब कुछ चलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज अवसर क्रिएट होंगे। एक और वहां झील फैशन में जो मैंने आपको कहा वो एक्सपोर्ट करता है, दुनिया भर में करता है, वहां 12,000 का रोजगार वहां मिलेगा। 3-3 के बैचेस के हमारी महिलाओं की ट्रेनिंग वहां चालू हो गई है, सितंबर में 2,000 के वर्कफोर्स वो स्टार्ट कर देंगे। सोया प्लांट भी सितंबर में वो स्टार्ट कर देंगे। हमें करीब करीब 23-24 डामर की सड़कें मिली है इसी काल में जी। हमें पूरे एरिया में सरफेस वाटर, जैसा मैंने आपको कहा जो नल जल योजना है, वो राजोत्सव योजना बड़ी योजना हमारी नर्मदा पे हमारा काम चल रहा है। ये आंगनबाड़ी हमने एक सेक्टर फोकस किया, मातृ शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा हमेशा आता था, आप लोग भी तमाम सवाल उठाते थे पूछते थे, तो हमने कुछ कोर सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए। उसमें हमारे उस वक्त सर्वे में करीब 175 आंगनबाड़ी बिल्डिंग्स की आवश्यकता थी, वो पूरी 175 भी सैंक्शन हो गई है। 85 मैंने पहले कराई, 90 मैंने अभी कराई, पंचायतों को चाहिए था काम वो हमने दिला दिया। इसके अलावा जो स्कूल शिक्षा का मैंने कहा आपसे, तो सीएम राइज स्कूल के विषय में नागदा और बदनावर में 2 सीएम राइज स्कूल हमने सैंक्शन कराए अभी 2, और इंदर सिंह जी से मैंने निवेदन किया, एक केसूर में एक बिड़वाल में 2 और हम प्रपोज करके वो सैंक्शन करवा रहे हैं। हमारा जो कॉलेज है बदनावर में, उसमें हमने पूरा नया बिल्डिंग, पूरा सेटअप नया सैंक्शन करा लिया। वही हमने इंडोर स्टेडियम 2.5 से 3 करोड़ का वो सैंक्शन करा लिया, उसका काम चल रहा है। पुराने स्टेडियम को हमने पूरा रिहॉल करके ठीक करा। बदनावर शहर की एक बहुत लंबे अरसे से बड़ी समस्या थी, उमा भारती जी जब सीएम बन के पहली बार पधारी तो उन्होंने कहा बलवंती का काम कराना है। उस बलवंती प्रोजेक्ट के लिए हमने करीब 11.5 करोड़ सैंक्शन करा लिए, पैसा खाते में आ भी गया, उसका भी काम प्रारंभ हो गया है। वहां पे लोकल बच्चों की मदद हमने कई लेवल पे करने का प्रयास किया, जैसे 3 छोटे शिवलिंग्स है हमारे, मोहिका श्रेष्ठा और ज्योतिरादित्य, तीनों नेशनल लेवल पे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक हमारी नर्मदा धाकड़ थी, टैलेंट थी, उसको हमने प्रमोट किया। और एक हमारी चैंपियन माचकदा में है अंबिका जाट, उसको हमने, तो हर स्पॉट्स के एरिया में, शिक्षा के एरिया में, पेयजल में, स्वास्थ्य में हमने अपग्रेड किया। हमारा हॉस्पिटल बदनावर का सिविल किया, सिटी स्कैन मशीन, मात्र एक तहसील होगी पूरे प्रदेश में हमारे पास एक सिटी स्कैन मशीन है, सोनोग्राफी, डायलिसिस, डेंटल शेयर। कोत का हॉस्पिटल अपग्रेड हमने किया, वो भी सीएचसी में हो गया। कानवन एकमात्र ऐसी पंचायत होगी शायद पूरे प्रदेश में, हमने 1 रुपया नहीं लिया भोपाल सरकार से, पूरा हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, करीब 3 करोड़ का हॉस्पिटल बनकर रेडी हो रहा है,
वहां ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लांट लग गया, डिस्लेक्स मशीन इंस्टॉल हो गई है, तहसील टप्पा तहसील हमने कानून में बनाई उसकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, एसडीएम ऑफिस पूरा नया बना के मेरा एक सवाल है, आयुर्वेदिक हमारे यहाँ सैंक्शन। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ये नीना वर्मा जी के साथ कौन सा हिसाब चुकता कर रहे हैं आप? सब कुछ तो बदनावर में ले जा रहे हैं, धार के मुख्यालय में जो विधायक है उसके पास बताने के लिए क्या रहेगा? वर्मा जी दौड़ में हमसे बहुत आगे निकल गए थे, पहले ही वो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने साई का यहाँ स्टेडियम करा दिया, आदर्श रोड जिसपे आप गुजरते वो उन्होंने करा दी। वर्मा जी हमारे बड़े नेता है, हमारे नेता है, मेरे पिताजी के सखा रहे, सहपाठी रहे, पिता तुल्य है। धार में वर्मा जी ने बहुत सालों से मेहनत करी है और पीथमपुर की आधारशिला रखने में उनका एक अहम योगदान है, सकलेचा जी के जमाने में उन्होंने प्रथम प्रयास किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, धार भी हमारा है, बदनौर भी हमारा है, जिला हमारा है, मध्य प्रदेश हमारा है, तो सब कुछ हमारा है। ये राजवर्धन सिंह जी का कहना है और राजवर्धन सिंह जी आपके हैं, तो आपके जहन में भी कई सवाल होंगे राजवर्धन सिंह जी को लेकर, जिनके भी सवाल है तो सीधे आपके बीच में है राजवर्धन सिंह जी आपके अपने, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप पूछना चाहें। माननीय मंत्री जी, हालांकि मैं बदनौर का रहने वाला नहीं हूँ लेकिन मैं बदनावर अक्सर जाता हूँ, आप एक बात बताइए कि बदनावर से इंदौर से रतलाम की ओर एक फ्लाईओवर जाता है और एक बदनावर से उज्जैन जाता है, वो फ्लाईओवर आधा क्यों छोड़ दिया गया है, उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि वहाँ बदनावर चौपाटी पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आए दिन एक्सीडेंट होने की संभावना भी रहती है, तो व्हाट इज द रीजन, वेदर इट मे बी एज इट इज और इट मे बी प्रोग्रेस। ये जब बना था तब कैलाश विजयवर्गीय जी पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हुआ करते थे, मैं विधायक था, उस वक्त मैंने व्यक्तिगत सुझाव ये दिया था कि बदनावर का बायपास बनाया जाए, रिकॉर्ड में दिया था, विधानसभा में प्रश्न डाल के दिया था, और तत्पश्चात इस विषय में मैंने कई प्रश्न लगाए होंगे, मेरे ही प्रश्न ध्यान आकर्षण पे, उस वक्त सकलेचा जी निर्दलीय विधायक रतलाम के हुआ करते थे, एक विधायकों की कमेटी भी बनाई गई, तब नागेंद्र सिंह जी माननीय हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उस कमेटी ने लेबर से लेकर नया गांव तक एक बस में समस्त अधिकारियों के साथ पूरा टूर भी किया, उसमें भी रिटर्न हम लोगों ने सजेशन दिए जी। अब इसमें गलती या चूक कहां हुई है, जो कंसल्टेंट तब नियुक्त हुआ होगा उस कंसल्टेंट की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, अगर मेरी पूछें तो उसके फ्लाईओवर की जरूरत ही नहीं थी, वहां एक बायपास की जरूरत थी जो पॉपुलेटेड सिटी को बाहर से निकल जाता, लेकिन उस समय वहां पे जो लोग थे बदनौर में उन्होंने भी, उनको लगा कि मैं शायद उनका रोजगार खत्म करना चाहता हूं, जो दुकानदार थे वो भी मेरे विरोध में खड़े हो गए, ज्ञापन देने मेरे खिलाफ आ गए, विधायक तो ऐसा कर रहा है, विधायक उनको लगा मैं ऐसा जमीन वमीने खरीद लूंगा वहां पे बाईपास के आसपास और मैं पता नहीं कुछ ऐसा उनके किसी ने डाल दिया दिमाग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, तो वो इसलिए नहीं मनना देना चाहते थे कि उनका जो शॉप्स थे उनका व्यवसाय कम होता, लेकिन अब समय ने हमें बताया जो पॉइंट आपने कहा कि वास्तविकता में उसकी जरूरत ही नहीं थी, वहां तो बाईपास बन जाता और बनता तो जो मेन चौपाटी जो चौराहा कहा जाता है उस पर बनाया जाता, अब क्योंकि कंसेशनर वो उनका है अपने जी वालों का वो जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से है उनका और 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसमें, अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट में वो सब नहीं है, यानी कि वो अलग से वो पैसा डाल के बनाना नहीं चाह रहा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में है नहीं, अब इसमें एक ही तरीका है कि उसको हम पूरा हटाएं, वो जो आप जो बता रहे हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे जाके उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं है, तो करना ही पड़ेगा, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, उस समय जो एरर कंसल्टेंट से हुआ उसने शायद उतना दूरदर्शिता नहीं देखी कि उतने बजट में अगर हम उसको अधिग्रहण भी होता जमीन का तो फ्यूचरिस्टिक होता और आगे जाके हमें काम आता, वो एक पॉइंट है, उसमें हमें काम करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां राजवर्धन सिंह जी के लिए हो जिन्होंने ईमानदारी से माना कि वो ठीक नहीं हुआ और अब ठीक करने की कोशिश करेंगे। और कोई सवाल जो आप लोगों के जहन में हो? आदरणीय मंत्री जी, मेरा एक सवाल है पीथमपुर को लेकर, चूंकि मैं बागटांडा से हूँ और मैं आदिवासी हूँ, तो हमारे यहाँ ब्लायन की इतनी मतलब अभी इस समय सारे लोग गुजरात महाराष्ट्र पलायन कर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, अपने पीथमपुर में इतनी कंपनियां हैं वहां पर यहाँ के लोगों को काम नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों और उसके लिए कोई नीति नहीं है क्या, जिले के लोगों को काम नहीं दिया जाए? मैंने अधिकतर देखा है यहाँ के लोग अगर वहां मजदूरी करते हैं तो या तो ठेकेदार उनके पैसे खा जाते हैं या देते नहीं है, तो बहुत सारे लोग तो यहाँ मजदूरी करने जाते हैं फिर उनका पैसा डूब जाता है बेचारे इधर उधर, और जहां तक है कि वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो भी है वो
सेटल कर लेते, वो कैसे भी कर लेते होंगे, पुलिस हो या किसी भी चीज को मैनेज कर लेते, मीडिया तक बात भी नहीं जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि अपने यहाँ के लोगों को जिले में ही काम मिल जाए, जैसे महाराष्ट्र या गुजरात जाते हैं। आपकी बात समझ में आ गई। इनका सीधा सवाल यह है कि यहाँ पर इतनी फैक्ट्रियां हैं और लोग काम की तलाश में पलायन करते हैं। इसमें अनिल सबसे अच्छा तरीका यह है, अगर पर्सनली आप मुझसे व्यक्तिगत पूछो, मंत्री का जवाब मैं बाद में दूंगा, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो एक नागरिक के नाते या एक जनरल आदमी के नाते, और मैं अगर गवर्नमेंट की योजना यूटिलाइज करना चाहता हूं, मेरा मूल उद्देश्य है रोजगार प्राप्त करना। कहां प्राप्त करूं वो विषय नहीं, और रोजगार प्राप्त मैं करूं और मैं आराम से अपने परिवार के साथ भी रह सकूं। तो कुछ जो अभी हमने स्वावलंबन की तरफ योजनाएं बनाई है, जैसा अभी एक तो आपको सबसे पहले कौशल विकास इसमें महत्वपूर्ण है। क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर कॉम्पिटिशन का सेक्टर है, वहां पर रिजर्वेशन नहीं है, वहां गुणवत्ता मेरिट को ध्यान में रख के कार्य होता है। तो हमको मुख्य धारा से जुड़ना है, हमको कंपीट करना है, तो जो कौशल विकास है वो यहां महत्वपूर्ण, स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल इंडिया जो कैंपेन प्रधानमंत्री भी चला रहे हैं और अभी जो मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना प्रारंभ करी है, तो आप जैसे नौजवानों को इसमें आगे आना पड़ेगा। एक तो आप स्टार्टअप पॉलिसी देखो, स्टार्टअप पॉलिसी का एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट टेंडर या काम में कंपीट करना चाहोगे तो पहले पूछे एक्सपीरियंस मांगते हो, तो फिर तो पहली बार वाले किसी को काम मिलेगा ही नहीं कभी, स्टार्टअप में वो शर्त नहीं है। तो आप जैसे लोग, बहुत सारे हमारे बच्चे इंदौर में कोचिंग ले रहे हैं, प्रजापत जी भी मुझे मिले थे, उन लोगों से मैं मिला, बहुत अच्छे ब्रिलियंट हमारे बच्चे हैं। तो उसमें हम बिरसा मुंडा योजना अपनी चल रही है, एक जिला एक उत्पाद अपनी चल रही है, इन सबको यूटिलाइज करके, डिकी का भी फंक्शन हुआ, मुख्यमंत्री जी गए एससी एसटी के, विशेष रूप से हमने फोकस करके उनको एंटरप्रेन्योर्स या उनमें उद्योगपति उद्यमी बनाने का प्रयास प्रयत्न हम लोग वहां पे कर रहे हैं। तो एक तो हम ये हमारा बनाएं, जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनका स्किल डेवलपमेंट करें, जितने आईटीआईज वगैरह वहां मैं आपकी मदद करूंगा। सीखो कमा योजना में हम कमिटमेंट लेंगे इन उद्योगपतियों से कि आपके पास अगर 1000 एम्प्लॉयज है तो आपको 15% का कमिटमेंट है, यानी 150 बच्चों को आप हमारे लोग ट्रेन करो, बच्चे आप लाओ, मैं खुद पर्सनली आपको डेटाबेस दूंगा, हम कॉलिंग करके कोशिश करेंगे हमारे बच्चों को वो रखें, वो बच्चे ट्रेन हो जाएंगे, उसके बाद उनको एक अवसर मिलेगा, क्योंकि स्किल होना जरूरी है। आप भी खेत पे किसी को लाओगे तो आप भी सोचोगे न्यूनतम उसकी, तो एक वोश वहां पे विषय आता है। जितनी भी हमारी नई इंडस्ट्री आ रही है, चाहे वो मित्रा पार्क हो या दूसरे हो, वहां पे भी हम आपको ऑब्जॉर्व करने का प्रयास करेंगे। हम ये भी कोशिश करें कि हर तहसील लेवल पर भी हम एक लैंड बैंक आइडेंटिफाई करें, कुछ एरिया हम बना के आपके लिए रख दें। और उद्यम क्रांति योजना हुई, दूसरी योजना है एमएसएमई की योजना है, उन सब में कहीं ना कहीं हम आप लोगों को फैसिलिटेट करके आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा करें, आपका फिर हम हैंडशेक और फैसिलिटेट प्लेटफॉर्म देके उन बड़े इंडस्ट्री से करा दें, तो आप लोगों का सिंक हो जाए। और उनसे भी ये कहें कि जो आईटीआईज हैं हमारे, जो कॉलेजेस हैं, इनमें ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की प्रक्रिया हम प्रारंभ करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां पे इन इंडस्ट्रीज को हम उन आईटीआईज में लाएं कि भाई आप हमारे बच्चों को रिक्रूट करिए, आप अपनी एक टीम भेजिए, आपको हर साल इतने बच्चे लग रहे हैं तो आप पीतमपुर में बैठ के मत बोला, आप जाए धार में आईटीआई हुआ या गद्वानी में हुआ या वहां भी एक टीम जाए, तो इस टाइप से उसको लिंक करके। तो सबसे पहला आपका फोकस कि लोग दक्ष बने, दक्ष सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि लोगों को काबिल बनाया जाए, और अगर व्यक्ति काबिल मिलेगा तो उसे रोजगार के संदर्भ में दिक्कत नहीं जाएगी। जी पीछे। हेलो सर, जैसे काबिल बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे आदिवासी क्षेत्र से जिन्होंने बात करी, लेकिन गुजरात वगैरह में से जो पलायन कर रहे हैं वो अभी काबिल नहीं है, पर फिर भी वहां उनको रोजगार दिया जा रहा है काफी, जैसे मोरबी वगैरह जो पास पड़ रहे हैं, वहां अधिकतर आदिवासी क्षेत्र के जो लोग जा रहे हैं, आप यहाँ पे मतलब उनको सक्षम करा के फिर पास करने जा रहे हैं, लेकिन वो तो वहां भी पलायन कर रहे हैं, जो भी सक्षम नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको वहां पे सर रोजगार मिल रहा है, वही चीज पीतमपुर में क्यों नहीं मिल रहा है सर? बहुत सिंपल है, जिसको जो जहां बेहतर मिलेगा वो जाएगा। आप क्या रोजगार करते हैं, आपका काम क्या है, आप कुछ करते होंगे ना जीविका के लिए, क्या करते हैं? सर पराग स्वीट से हूँ सर। हाँ पराग स्वीट से हूँ सर, स्वीट शॉप है सर। पराग स्वीट से आप हैं? जी सर। सीजन है, बहुत बिजी सीजन चल रहा है, आपको 10 ऑर्डर आ रहे हैं। जी सर। आप किसको सप्लाई करोगे, जो बेहतर रेट देगा उसी को करोगे ना? जी सर। सीजन है, शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत बिजी हो, आपकी कैपेसिटी प्रोडक्शन की है जी एक सीमा, तो जो सबसे बेहतर आपको रेट देगा आप उसी को सप्लाई पहले करोगे ना? हाँ सर वो तो है। या लॉस पे कर दोगे सप्लाई? नहीं सर लॉस में नहीं कर, ये सब जगह अप्लाई होता है, जो लोग गुजरात जाते हैं
वो वहां पे पार्टनरशिप में जमीन रखते हैं, क्योंकि गुजरात के अधिकांश लोग विदेशों में, जो जमीन वाले लोग भी हैं महसाना और बड़े बड़े जिलों में, हमारे यहाँ का आदमी जाता है तो अगर एक बीघा रखता है तो वो उसमें जो उगता है उसका 25-50% की हिस्सेदारी उसको मिलती है। वो पार्टनरशिप का सिस्टम है, क्योंकि वहां लेबर की बहुत स्कैर्सिटी है ही नहीं वहां पे, वो यहाँ पे नहीं है। वो आदमी यहाँ पे करेगा तो उससे कोई भी हमारा पाटीदार समाज, सिरवी समाज का, किसी भी समाज का कोई भी आदमी उसको वो डील नहीं देगा जो वहां मिलेगी। तो उसको वहां कहीं ज्यादा आमदनी हो रही है, उसके लिए प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है। तो वो मॉडल हम मध्य प्रदेश में रेप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो परिस्थितियां अलग है। तो सर्कमस्टेंशियली उसको बेनिफिट है, तो जो उसका वर्तमान का स्किल्स सेट है या जो उसका वर्तमान का कौशल है वो यहां एप्लीकेबल नहीं है। वो मेरे पास आएगा, मेरे पास मान लो 50-100 बीघा 200 बीघा जमीन है, तो मैं उसको पार्टनरशिप नहीं दूंगा 25% की, क्यों दूं, मुझे तो मिल रहा है, वहां पे नहीं मिल रहा है। तो परिस्थितियों वश उसको बेहतर अवसर वहां प्रदान हो रहा है, इसलिए वहां जा रहा है। अब मोरवी के जो आप बात कर रहे हो, मोरवी में जो स्पेशलाइज इंडस्ट्री है उसका कोई तोड़ पूरे देश में नहीं है, उन्होंने पूरा क्लस्टर बना के मास्टर कर लिया उस आर्ट को। अब आप जैसे आप जाएं वहां पे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद वगैरह, तो वहां एक प्रकार का जो पीतल का काम है। तो ये क्लस्टर्स, जहां हम ये जरूर करने की कोशिश करें कि क्लस्टर डेवलपमेंट पे हम यहां फोकस कर रहे हैं, फर्नीचर क्लस्टर की ओर हम बढ़ रहे हैं, टॉय क्लस्टर की हम बढ़ रहे हैं, उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जब होगा। आईकिया जो फर्नीचर देता है उसकी 50% कॉस्ट में वहां फर्नीचर, यहां फर्नीचर दे पाएंगे। तो ये डिफरेंस, ये डिफरेंस रहेगा। अब आखिरी सवाल लेंगे हम इस कार्यक्रम का, आखिरी सवाल। मंत्री जी, मैं मनावर से आया हूं और मैं आपसे अपेक्षा ये कर रहा था कि हम लोगों को नर्मदा के किनारे वाला जो हिस्सा है उसमें पुल एक हमको मिलता है खलघाट में पार होने के लिए, और इधर फिर बड़वानी में मिलता है, तो ये करीब 60-65 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। अब इधर से अगर उधर जाना है फोर व्हीलर वगैरह से तो इतना घूम के जाना पड़ता है। तो इस बीच में हमने कई बार घोषणाएं सुनी है कि सेमलदा में बन रहा है, लोहारा घाट पे बन रहा है, लेकिन उसमें कोई काम की प्रगति दिखाई नहीं देती। आप मार्गदर्शन करें कि इसमें क्या प्रशासन की स्थिति है और वो कब क्या निर्माण के उनका उनके प्रोविजन में है निर्माण कार्य, या उसमें कोई लाने वाले हैं। आप कुल मिला के कह रहे हैं कि जो आपका क्रॉसओवर ब्रिज है उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आपको उस पार जाना है तो आपको प्रॉब्लम आती है, बीच में से आप उसका चाह रहे हो, यही आप कह रहे हो ना। तो एक तो अभी जो नर्मदा एक्सप्रेसवे प्रपोज्ड है उसमें कुछ सेंटर का पैसा भी आ रहा है, कुछ हमारी राज्य सरकार भी उसमें पैसा लगा रही है। उसके अंतर्गत हम पूरा इस बैंक पे एक वर्ल्ड क्लास पूरा बनाने वाले एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने की योजना है। जो आप बता रहे हो 2-3 प्रस्तावों की आप बात कर रहे हो, उसमें यही एक कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे ज्यादा बेनिफिट जिससे ज्यादा बेहतर हमें मिल पाए और जो जनउपयोगी भी ज्यादा हो, क्योंकि राशि तो लगती है। और आपको पता है कि अब आचार संहिता में करीब 3 महीने बाकी हैं, एक अनुपूरक बजट आएगा जो कि बेसिकली आवश्यक कार्यों के लिए होगा, कुछ ज्यादा से ज्यादा बहुत ही अति आवश्यक उन चीजों के लिए होगा। लेकिन ये जो आप इशू बता रहे हो इससे मैं, गोपाल भार्गव जी हमारे मंत्री हैं, तो आप लोग चाहें तो एक डेलीगेशन कुछ लोगों का लेके अनुपूरक जब अभी सत्र आएगा जुलाई में, एक बार अपन सब बैठ के गोपाल जी के साथ और ACS के साथ बैठ के डिटेल उस पर एक डिस्कशन कर लेते हैं कि जो बेहतर होगा उसकी तरफ फिर हम फोकस करके काम करें। तो बड़ा महत्वपूर्ण आश्वासन जो है मंत्री जी दे रहे हैं कि अभी अनुपूरक बजट आना है, तो अगर आप सब लोग आते हैं तो वो PWD मिनिस्टर गोपाल भार्गव के पास लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे इसका निदान हो पाए। तो अब हम इस बातचीत को अंतिम बिंदु पे लेकर आते हैं और जानना ये चाहते हैं कि पिछली बार जब चुनाव था तो उज्जैन संभाग का प्रभार आप संभाल रहे थे, अब चुनाव आ रहा है, बदनावर तक ही रहेंगे या अपनी जिम्मेदारियों का कुछ विस्तार लेंगे, धार में कुछ कमाल करेंगे या मालवा में कुछ कमाल करेंगे, क्या करेंगे? मेरे पास 2 प्रभार के जिले हैं मानशु जी जी, एक मंदसौर का प्रभार है, मैं कल जा रहा हूँ मंदसौर जी, और एक अलीराजपुर का प्रभार है। 2 प्रभार के जिले, और मेरा गृह जिला तो है ही, और एक आकांक्षी विधानसभा मेरे पास है अलीराजपुर जो मुझे पार्टी ने अभी दी है, बाकी जैसा निर्देश हो जाएगा कार्य करेंगे जी। नहीं लेकिन क्या कमाल करेंगे, सवाल तो ये था काम करेंगे, इससे तो कहां इंकार है, कमाल के संदर्भ में सवाल है। अब चाणक्य रणनीति बता ही देते तो चाणक्य क्या कहलाते तो कुल मिलाकर चाणक्य के तौर पर रणनीति का खुलासा भी नहीं करना चाहेंगे,
राजवर्धन सिंह जी, पर राजवर्धन सिंह जी को उम्मीद है कि जो सफलता कांग्रेस में रहते हुए उन्हें हासिल हुई थी उससे बेहतर सफलता है वो भाजपा में रहते हुए हासिल कर पाएंगे। 3 साल के अनुभव के बाद उन्हें लगता है कि वो एक अच्छे संगठन में, एक अच्छी पार्टी में है। पर अच्छा संगठन, अच्छा पार्टी जिसको वो मान रहे हैं, क्या जनता इस बार मानेगी? इसके लिए हम दिसंबर तक इंतजार करेंगे। एक आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजवर्धन सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। आपका एक बार तहे दिल से स्वागत, और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से राजवर्धन सिंह जी का अभिनंदन हो खुलकर बात करने के लिए। आप दोनों का बहुत सारा आभार। आदरणीय राजवर्धन सिंह जी जो हैं, वो कहते हैं युवा बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। धार को भी ये उम्मीद है। धार का वैसे अपना एक बड़ा इतिहास है, लेकिन युवा इतिहास के बाद में तो सबसे पहले जो है हम आदरणीय मंत्री जी का सम्मान के लिए प्रधान संपादक जी से अनुरोध करेंगे। शाल और श्रीफल से उनका सम्मान होगा, और सम्मान के साथ साथ हम एक जो मोमेंटो है वो देते हैं INS हरि भूमि को यादगार बनाने के लिए कार्यक्रम को। लेकिन साथ में दोनों ही जो अतिथि हैं, दोनों ही मेहमान हैं, उनका से ये भी अनुरोध है कि कुछ विशिष्ट अतिथियों का हम यहाँ सम्मान करना चाहते हैं जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। एक एक करके क्रम से हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं मंच पे। हितेन शर्मा जी शिक्षाविद हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। काफी बड़ा योगदान रहा है, और उन्होंने अपनी पूरी उम्र जो है वो लगा दी है बच्चों का भविष्य बनाने में। और कहते भी हैं कि शिक्षक जो है वो भविष्य निर्माता होता है, देश निर्माता होता है। तो आदरणीय हितेन शर्मा जी के सम्मान के लिए उनको मंच पे आमंत्रित करते हैं। मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी उनका सम्मान करेंगे। जिस तरह से धार के भविष्य को बनाने में उनका एक योगदान रहा है बतौर शिक्षाविद। और आप सभी से अनुरोध है कि जब किसी का सम्मान होता है, अपनों का सम्मान होता है, तो एक जोश होना चाहिए। वो करतल ध्वनि से जो है आप सम्मान के लिए आमंत्रित है। साथ में डॉक्टर सुधीर मोदी जी, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं। उनका एक अपना योगदान है चिकित्सा के क्षेत्र में, और खास तौर पे जब आप शासकीय चिकित्सक होते हैं तो एक प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को हैंडल करते हुए मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। और साथ में सभी लोगों से एक बार फिर हम अनुरोध करते हैं, जितने भी तमाम विशिष्ट लोग हैं, आप ही के क्षेत्र के हैं, लगातार उन्होंने अपना कार्य किया है, उनके सम्मान के लिए एक बार फिर मैं अनुरोध करूंगा हमारे उद्योग मंत्री और प्रधान संपादक जी से कि शाल श्रीफल से सम्मान करें डॉक्टर सुधीर मोदी जी का। और इसी क्रम में डॉक्टर संजय भंडारी, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। काफी महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है, कोरोना काल में काफी योगदान उनका रहा है। डॉक्टर संजय भंडारी के साथ साथ डॉक्टर गोपाल शर्मा जी वो यहाँ पर मौजूद हैं, और गोपाल शर्मा जी का भोजशाला समिति के रूप में और उसके समन्वय के रूप में काफी योगदान है। लेकिन डॉक्टर संजय भंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना काल में जिस तरह का कार्य उन्होंने किया है, कोविड में हजारों जान तो बचाई है, साथ में काउंसलिंग का भी बड़ा कार्य किया है। जिन लोगों को समस्याएं होती थी, रात के 12 बजे भी जो है वो फोन अटेंड करते थे, और उन्हीं को हम यहाँ देख रहे हैं बीच में। जिस तरह का उनका कार्य है, एक अलग लोकप्रियता उनकी है बतौर चिकित्सक और बतौर साथ में कहीं ना कहीं वो हर परिवार को, चाहे कितना भी गरीब परिवार है, रात के 12 बजे भी अगर उनको फोन करता है तो डॉक्टर संजय भंडारी की विशेषता है कि वो फोन जरूर उठाते हैं। भारती स्टोर के संचालक और पराग स्वीट्स के संचालक जो है वो भी हमारे बीच में मौजूद है। गोपाल शर्मा जी पहले आमंत्रित किए जाएंगे। काफी बड़ा कार्य है, और जिस तरह से भोज समिति जो गौरव है धार का, माँ भगवती की पूजन, माँ भगवती की अर्चना निरंतर क्रम में जारी रखने का जो संचालन कार्य है वो डॉक्टर गोपाल शर्मा जी कर रहे हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। मंत्री, उद्योग मंत्री और साथ में प्रधान संपादक जी शाल श्रीफल से उनका सम्मान और एक मोमेंटो, और उनका सम्मान अपने आप में है, क्योंकि माँ भगवती की जिस तरह से सेवा वो करते आए हैं भोजशाला में, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रेरणादायक है। इसके बाद पराग स्वीट्स और भारती स्टोर्स के जो संचालक हैं हमारे सहयोगी रहे हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में बड़ा योगदान दिया है। आपको हम आमंत्रित करते हैं, और उनका जो है सम्मान यहाँ पर हो रहा है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी द्वारा और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी द्वारा। तो तमाम जो लोग हैं सहयोगी हैं विशिष्ट रूप से, और सबसे महत्वपूर्ण नाम इसके बाद सबसे आखिरी में जो धार का गौरव है, राष्ट्रीय कवि संदीप शर्मा जी, उनकी अपनी पहचान है धार में, उनका एक अपना नाम है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे आखिरी में हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है उनको देखते से ही, और कहीं ना कहीं गौरव गाथा भी करते हैं। तो संदीप शर्मा जी आमंत्रित हैं हमारे साथ में, बेहद महत्वपूर्ण हस्ती हैं धार की, और वो आमंत्रित हैं, और उनका शाल और श्रीफल से सम्मान करेंगे हमारे उद्योग मंत्री, युवा चेहरे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, और अपनी अलग पत्रकारिता में पहचान रखने वाले डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। बेहद महत्वपूर्ण नाम और बेहद महत्वपूर्ण सम्मान, और उतनी ही तालियों का जो कहीं ना कहीं आप लोगों से भी गुजारिश रहती है, अपेक्षा रहती है, और ये सम्मान हो रहा है संदीप शर्मा जी का, जो धार के गौरव माने जाते हैं, कई राष्ट्रीय मंचों को साझा कर चुके हैं बतौर कवि। आपका भी जो है यहाँ पे हम सम्मान करके गौरवान्वित महसूस कर रहा है INH हरि भूमि समूह। तो आप सभी मेहमानों का खूब सारा धन्यवाद,
और साथ में धन्यवाद हमारे आदरणीय युवा चेहरे, युवा शख्सियत राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का बेहद महत्वपूर्ण समय देने के लिए और इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं गरिमामय बनाने के लिए आपकी उपस्थिति देकर आप दोनों ही चेहरों का, खासतौर पर मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी का खूब सारा धन्यवाद आभार इस कार्यक्रम के लिए और आप सभी मेहमानों का जो धार के तमाम चेहरे हैं, शख्सियत हैं जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण समय दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो आप सभी का हम यहाँ आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब भी INS हरिभूमि इस तरह के संवाद का आयोजन करेगा तो आप लोगों का सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहेगा और हमारी कोशिश है, जैसा कि हमने देखा कि खुद दत्तीगांव जी ने आपकी समस्याएं सुनी, यही इस संवाद का जो है कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है और उम्मीद है कि यह उद्देश्य जरूर पूर्ण होगा। धन्यवाद, नमस्कार।